अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर 36 वाई में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। तो दोस्तों, सिंध के मुख्तलिफ इलाक में नॉन स्टॉप बारिशें हो रही हैं। बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि ये जो बारिशें हैं ये हवा के कम दबाव की वजह से हो रही हैं। जैसे जैसे हवा का कम दबाव सिंध में दाखिल हो रहा है, तैसे तैसे सिंध के मुख्तलिफ इलाक में तेज तरीन बारिशें देखने को मिल रही हैं, स्पेशली सिंध के सेंट्रल और अपर सिंध के तमाम तर शहर। आज रात कराची में कितने फीसद बारिशों के इम्कान आते हैं, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दें। तो दोस्तों, कराची में आज रात भी काफ़ी बारिशों के इम्कान आते हैं, और आज रात कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिशों के इम्कान देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हवा का कम दबाव इस वक्त सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हो चुका है, और इसी हवा के कम दबाव की वजह से आज भी सिंध के जो जनूबी एरियाज़ हैं, जिनमें हैदराबाद वाले इलाके जमशोर टंड मोहम्मद खान टंडोला यार बदीन ठट्ठा वाले इलाके, उसके साथ साथ दोस्तों जो है कराची के 100% इलाके, इन तमाम इलाकों में आज रात भी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। कराची के जो नॉर्थन एरियाज़ है, जो नॉर्थ ईस्ट साइड है, इन इलाकों में जो है हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी, और इन्हीं डेवलपमेंट्स की वजह से आज रात कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिशें जारी रहेंगी, और यही इम्कानात हैं। बाकी अपर सिंध और सेंट्रल सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त कहीं हल्की कहीं तेज़ कहीं जो है मॉडरेट टू हेवी रेन जो है सिलसिला जारी है, और यही सिलसिला आने वाले 12 घंटों तक जारी रहेगा। कल इंशाल्लाह शाम के दौरान सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के कम इम्कानात होंगे। तो दोस्तों, इस हवाले से आपको लम्हा बिलम्हा अपडेट दे देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मौसम की नई अपडेट में दोबारा लगा दूंगी, मजीद तफसीलात का इंशाल्लाह सिलसिला जारी रखेंगे।